भाई बिधी चंद जी का जन्म पिंड छीना तरन तारण के वसनीक बाबा देवा जी के घर माता संभली जी की कुखों 13 वैसाख सम्मत 1636 मुताबिक 8 अप्रैल 1560 ईस्वी में होया। बाबा जी के पिता जी पिंड छीना तो उठ के सुर सिंह जिला तरन तारण आ बैठे। सरहाली पिंड चोरियां करनिया डाके मारने आदक नू पिंड वासियां ने अपना सभ्याचार बना लिया सी। इस सभ्याचार विच ही भाई बिधी चंद जी का बचपन गुजरिया अते जवानी तक आउंदिया डाके मारन लग पए। एक बार चोला पिंड दे भाई अदली जी भाई बिधी चंद नू गुरु अर्जन देव जी कोल लै के आए तां इह गुरु जी का सिख बन गया। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी ने फौज तैयार की तां भाई बिधी चंद अपने नाल 52 नौजवानों अते 2 ढाडियां नू लै के अमृतसर पहुंचिया सी। जदों गुरु जी ने अपनी फौज नू 5 जथियां विच वंडिया तां एक जथे दा जथेदार भाई बिधी चंद जी नू बनाया गया। एक बार काबुल दा एक सिख करोड़ी मल गुरु जी नू भेट करन लई 2 घोड़े लैके आ रहा सी। रास्ते विच लाहौर दे हाकम अलायतुल्ला ने वह घोड़े खोह लए। गुरु जी ने भाई बिधी चंद जी नू घोड़े रिहा करवाउण लई भेजा। यह घोड़े एक बार काही दा रूप धार के ते दूजी वार नजूमी दा रूप धार के भाई बिधी चंद जी ने लियांदे। गुरु जी ने प्रसन्न हो के कहा सी, बिधी चंद छीना गुरु का सीना, प्रेम भगत लीला कदे कमी नहा। ताई बुढ़न शाह दा एक चेला सुंदर शाह जो देवनगर उत्तर प्रदेश दा सी भाई बिधी चंद दा दोस्त बन गया। दोहां ने देवनगर जा के रहना शुरू कर दिता। इत्थे भाई बिधी चंद जी सिख धर्म दा प्रचार करदे रहे। देवनगर विच ही भाई बिधी चंद जी 31 अगस्त 1638 ईस्वी नू चढ़ाई कर गए। गुरु साहिब जी दे अनन सिख भाई बिधी चंद जी शास्त्र ते शास्त्र दे धारनी सन।